हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है एयरपोर्ट की तरफ से नई वैकेंसी। किस एयरपोर्ट के अंतर्गत है? उद्देश्य एयरलाइन अकेडमी न्यू दिल्ली के अंतर्गत आपका ये पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 6 तरह का पोस्ट है। ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा। इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 1183 मतलब 1183 सीट रहने वाला है। तो अगर इस पोस्ट के बारे में आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैंने अपलोड कर दिया है, जाइए वहाँ पे फॉलो करिए, डाउनलोड करके थॉरवर्ड देख लीजिए। चलिए फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है और सैलरी क्या रहेगी। देखिए, पहला पोस्ट है हमारा कस्टमर सर्विस एजेंट की। एज इसके लिए 17.5 साल से 27 साल रहेगा। सैलरी जो मिलती है ना 18,000 से 35,000 के बीच की रहती है। सेकेंड पोस्ट है एयरलाइन केबिन क्रू या फिर एयर होस्टेस जिसको बोलते हैं, सेम टू सेम इसका भी एज लिमिट है 17.5 वर्ष से 27 वर्ष। सैलरी इसके लिए ज़्यादा मिलती है, 35,000 से 65,000 के बीच मिलती है। फिर थर्ड पोस्ट है ट्रैवल या एयरलाइन टिकटिंग, मतलब देखते हैं ना जो टिकट कट करते हैं एयरपोर्ट पे, उनके लिए पोस्ट रहेगी 17.5 वर्ष से 32 वर्ष के कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। 18,000 से 35,000 के बीच में सैलरी दी जाएगी। फोर्थ है एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग का, 17.5 वर्ष से 30 वर्ष के कैंडिडेट इलिजिबल है। सैलरी 18,000 से 35,000 के बीच मिलती है। फिफ्थ है आपका रिटेल मैनेजमेंट, इसके लिए जो एज की लिमिट है ना 17.5 वर्ष से 30 वर्ष है। सैलरी 18,000 से 45,000 के बीच दी जाती है। सिक्स्थ एंड लास्ट पोस्ट है कार्गो मैनेजमेंट का, 17.5 वर्ष से 32 वर्ष के कैंडिडेट इलिजिबल होंगे। 18,000 से 25,000 के बीच सैलरी दी जाएगी। तो पोस्ट अच्छी खासी है, एज लिमिट भी आप समझ गए, सैलरी भी बम्पर दी जा रही है। चलिए इसके रिगार्डिंग अदर डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अप्लाई करने की अंतिम डेट क्या है। 31 मई 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन हो रहा है, आप चाहो तो अप्लाई कर देना जल्द से जल्द। अब बात ये आती है कि एज तो आप समझ गए, लेकिन किस डेट से एज कैलकुलेशन होगा? एज ऑन 1 जुलाई 2024, एज की गणना आपका 1 जुलाई 2024 के अनुसार किया जाएगा। आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो फी लिया जाता है फ्रेंड्स, ऑल कैटेगरी से 100 रुपीज लिया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है एयरपोर्ट के लिए, एविएशन की यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चे सभी एलिजिबल रहेंगे जिनका क्वालिफिकेशन 10+2 यानी इंटर पास बच्चे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स है, सभी स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई करेंगे। क्या परसेंटेज है ये भी मैटर नहीं करता, सिर्फ आप 12वीं पास हो तो आप अप्लाई कर देना। चलिए आगे इस पोस्ट के रिगार्डिंग हम लोग और भी डिटेल देख लेते हैं। सबसे अब इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेज से गुजरना होगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका रिटेन एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करोगे आप तो इंटरव्यू या फिर काउंसलिंग होता है। इंटरव्यू या काउंसलिंग दोनों एक ही चीज़ होता है। पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल समझ लेते हैं फर्स्ट स्टेज पर जो आपका एग्ज़ाम होता है उसका क्या पैटर्न रहेगा। 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर दिया जाएगा। टाइम 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का रहेगा। और एक बहुत अच्छी बात ये है, कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाला है। अब अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूँ ना तो जनरल अवेयरनेस से 25 मार्क्स का रहेगा, एविएशन नॉलेज से 25 मार्क्स का होगा, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, एंड लास्टली एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग मतलब मैथ और रीजनिंग को कंबाइन करके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए होंगे। पेपर का जो लेवल होगा 12th लेवल होगा, बाईलैंग्वल होगा। ये MCQ रहेगा क्वेश्चन, आपको मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन रहेंगे। बाईलैंग्वल है मतलब पेपर का जो लैंग्वेज होगा ना इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा।
दोनों में से जिसमें आपको समझ में आए वैसे आप टिक करते जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का जो पेपर है वो इंग्लिश में रहेगा। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स रहता है फ्रेंड्स 30%। अब बात ये आती है कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ रहेगा, तो नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि ऑल इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर है, तो आप अपना नियर बाय सेंटर फिल कर सकते हो फॉर्म में। जॉब की लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली होगी। आई होप कि अब इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपका सारा डाउट एंड कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, और अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी न्यू जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।